मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को शाम 6:05 से शुरू होगी। अगले दिन 18 जनवरी 2023 को बुधवार को शाम 4:02 पर ये समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी व्रत उदया तिथि में 18 जनवरी 2023 बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी का व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 19 जनवरी 2023 गुरुवार को सुबह 7:14 से सुबह 9:14 पर षटतिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष पुरानी तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसका व्रत करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इससे व्यक्ति हजारों वर्ष पुण्य को प्राप्त करता है। इस दिन काले तिल का दान करना चाहिए। इस दिन व्रती लोग दिन भर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना में खोई रहती हैं। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हारिणी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्ष की तपस्या स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी पूजन विधि इस प्रकार है। जल में तिल और गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री नारायण का स्मरण करें। रोली मौली पीले चंदन अक्षत पीले पुष्प ऋतुफल मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। इसके बाद श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए भगवान को विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ प्रदान करें। अंत में भगवान की आरती उतारकर पूजन का समापन करें। षटतिला एकादशी का व्रत प्रारंभ माघ कृष्ण दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है, जो पारण के समय तक जारी रहता है। एकादशी पर स्नान आदि तथा दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। इस दिन लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और अंगुली से गला साफ कर लें। एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन प्याज लहसुन मसूर की दाल गाजर शलजम गोभी पालक आदि का भी सेवन करते हैं। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन खासकर बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन एक तिल का स्नान, दो तिल का उपटन, तीन तिल का हवन, चार तिल का तर्पण, पांच तिल का भोजन और 6 तिलों का दान आदि के 6 प्रकार के प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का समर्पण करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए।
पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाकर उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपाड़ी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रहण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक तिल स्नान, दो तिल का उपटन, तीन तिल का हवन, तिल का तर्पण, पांच तिल का भोजन और छह तिलों का दान, ये तिल के छह प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षट्तिला एकादशी का व्रत कहलाता है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षट्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षट्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई
और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शटिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शटिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार शटिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शटिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।